हमारे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यहाँ पे हम लोग रहा करते थे, और यहाँ पे एक बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का बहुत पुराना घर हुआ करता था। अब इसका पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया इन्होंने तोड़ के। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी MLSU। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी MLSU उदयपुर। तो स्कूल से निकलते हैं, अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और यहाँ पे ये कॉलेज की यूनिफॉर्म भी है यहाँ पे। हाँ, कुछ कॉलेजेस में है। ओके, यूनिफॉर्म। So, ये है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MLSU। और ये पूरा कैंपस MLSU का ही है जहाँ पे हम चल रहे हैं। सामने मेन वो है बिल्डिंग इसकी, यहीं पे आता है अपना तुषार पढ़ने। अच्छा, ये है मेन कैंपस यूनिवर्सिटी का MLSU का। सामने वाली बिल्डिंग है। हाँ, ये मेन कैंपस है। प्रशासनिक भवन। प्रशासनिक भवन, यहाँ वो पूरा यूनिवर्सिटी का प्रशासन बैठता है। फिर बाकी जो पीछे का एरिया जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो यहाँ का स्टाफ होता है, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको यहाँ पे क्वार्टर मिलते रहने को। तो ये पूरा उनका रेजिडेंशियल एरिया पीछे की तरफ। ये एक और कोई पार्ट है कॉलेज का, कोई स्ट्रीम का कॉलेज है। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स के अलग है, साइंस के अलग है, ऐसे अलग आर्ट्स के अलग स्ट्रीम है। सब डिपार्टमेंट्स के, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ब्लॉक्स हैं। गोल्डन जुबली गेट। हाँ, तो अब ये जो गेट है पीछे, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा। जहाँ पे ये सारे स्टाफ को इन्होंने प्लेस कर रखा है। हाँ, ये कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इतना बड़ा कैंपस है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का, और इसको बनवाया था मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने। ये गोल्डन जुबली गेट है, जब यहाँ पे 50 साल पूरे हो गए थे तब इस गेट को बनवाया था इन्होंने। फिर पीछे पूरा रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है, जहाँ पे सारे प्रोफेसर वगैरह। वो जो आगे लड़का जा रहा है, मुझे लगता है ये मटर गस्ती करता हुआ एक्स स्टूडेंट है। हाँ, ये अपना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, फिर पीछे सारे क्वार्टर बने हुए हैं, जहाँ पे सारे स्टाफ वाले रहते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। ये आपका यहाँ पे लाइब्रेरी आ गया, और फिर इसके पीछे पूरा क्वार्टर, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस। पूरा बहुत ही बड़ा कैंपस है, काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। एक अलग ही मजा था यहाँ पे, हम आते थे खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह खेलते थे यहाँ के, फुटबॉल खेलते थे, बहुत ही मजे थे। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं ना, खेलने के शौकिंग नहीं, शौकिंग तो नहीं थे, शौकीन नहीं थे, लेकिन खेलते थे, बच्चे थे तो खेलते रहते थे आके। यहाँ पे बड़ा मजा आता था, एक अलग ही आनंद था यहाँ पे। ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इधर। ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये बॉयज हॉस्टल है। उसके बाद अब मैं आपको एक और जगह दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे अभी हम जहाँ गए थे, जब मेरा पहला घर था छोटू के घर, युवराज के घर। अब मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ पे उसके बाद हम लोग रहे, वहाँ पे भी मेरा बचपन बीता है। ये पूरा प्रशासनिक भवन और प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आके हम खेलते थे। आपने कॉलेज यहाँ से थोड़ी ना किया है? कॉलेज तो मैंने किया पैसिफिक से। उस टाइम पैसिफिक जो था वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता था। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ खेलने आते थे क्रिकेट खेलने आते थे, क्रिकेट और वॉलीबॉल। यहाँ से प्रताप नगर की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। और रास्ता कितना मेरे को याद है, मेरे को मालूम नहीं है। कुछ क्वार्टर्स बने वैसा फील लग रहा है। ये सारे यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट लेवल का स्टाफ और लेक्चरर्स वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे क्वार्टर दिए हुए हैं सारे। तो ये सब यहाँ रहते हैं। इतना बड़ा इस यूनिवर्सिटी का ये है जमीन, इतना बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बहुत ही पुराना, मतलब बहुत ही बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। ये अपने आप में एक सिटी है, अ सिटी विद इन अ सिटी, विच इज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। गाइज, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको ये सीन देखने में, ये पूरा कैंपस देखने में। हमें बहुत मजा आता है यहाँ, जब भी आता हूँ मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। बचपन हमारा यहाँ बीता है, खेले कूदे बहुत हम लोग यहाँ पे, पूरा हमारा ग्रुप यहाँ आ जाता था खेलने के लिए। क्रिकेट खेलते थे हम लोग, वॉलीबॉल खेलते थे, माहौल को इन्जॉय करते थे। और क्या ग्रीनरी है यार यहाँ पे, गजब ग्रीनरी। ये एरिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
बहुत ही सुंदर एरिया है, कुछ बैंगलोर जैसे याद फीलिंग दिखा रहा है, कुर्ग वाली याद दिला रहा है, कुर्ग वाली। हम लोग कुर्ग गए थे दोस्तों जब हम बैंगलोर में अभी भी वही रहते, 2021 में हम लोग गए थे, नहीं सॉरी 21 में ही हम लोग गए थे, और बिल्कुल ऐसा ही फील आया था वहाँ पे भी, ऐसी रोड थी, इतनी हरियाली, इतना हरा भरा, बहुत मजा आता था। ये अब हम लोग वापस कैंपस को बाहर निकल रहे हैं कैंपस से, और ये जो आगे जो आपको गेट दिख रहा है, इस गेट के बाहर से हमको मिलेगा हमारा प्रताप नगर का रोड। ये कैंपस यहाँ पे खत्म हो गया इस जगह पे, और ये रोड है प्रताप नगर। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि हमारा पुराना घर, यहाँ पे भी एक घर था जो कि हमारा दूसरा घर था उदयपुर शहर में, और यहाँ से भी मैं अपने स्कूल जाया करता था सेंट टेरेसा। बहुत ही पुरानी यादें हैं हमारी यहाँ पर। ये भी पर हमारा पूरा वो एरिया है जहाँ पे हमने साइकिलें चलाई है, बहुत इस सड़क पर बहुत साइकिलें घुमाई हमने, बहुत साइकिल चलाई हमने यहाँ पर, ठीक है। और अगला वाला, ये जो अगली वाली गली आ रही है ना, इसकी अगली, यहाँ पे हमारा घर। सब्जी सब्जी सब्जी, यार ये जो है क्या, इनको मैं जानता हूँ, इनको जानता हूँ, सब्जियाँ लेने भैया को नहीं, ये जो इस घर में रहता है, लगता है पति देव घर भूल गया। नहीं मैं भूला नहीं, सब जानता हूँ। तो फिर कहाँ जाना है? ये घर था, ये अब नया बन चुका है पूरा, लेकिन यहाँ पे पुराना एक घर हुआ करता था। ये लोढ़ा फैमिली है ना, ये हमारे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यहाँ पे हम लोग रहा करते थे, और यहाँ पे एक बहुत पुराना अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना घर हुआ करता था। अब इसका पूरा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया इन्होंने तोड़ के, और यहाँ पे हमारा बचपन बीता हुआ है इस घर में। ये वो घर नहीं है एक्चुअली, ये तो पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हो गया, हम जा रहते थे तो पुराना घर था यहीं पे, इसी प्लॉट पे मकान मालिक ही यहीं रहते हैं, बस उन्होंने इस घर को पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करवा दिया। ये गलियां हैं, यहाँ से हम लोग साइकिल लेके ऊपर जाते थे, वहाँ पे एक दुकान थी, और वहाँ से चॉकलेट ला ला कर खाते थे, और इन गलियों में यहाँ पे हमने साइकिलें बहुत दौड़ाई, बहुत खेल कूद उछल कूद की हमने। वो जो किस्सा था जो नाली में कोई गिरा था साइकिल चलाते चलाते, वो किसका था? किसा? मेरा मेरा। आप गिर गए थे? हाँ। यहाँ पे बहुत गिरा हूँ मैं साइकिल पे, बहुत गिरा हूँ मैं। इस गली में मेरा एक दोस्त रहा करता था, उसके घर जाते थे हम लोग, और वहाँ जाकर हम छुपन छुपाई खेलते थे, उसका घर बहुत बड़ा था। गाइस आप लोगों को मजा आया होगा ये व्लॉग, इस व्लॉग का यही एंड होता है क्योंकि हम लोगों ने ये एरिया कवर कर लिया। अब हमको मिलेंगे उदयपुर के किसी और लोकेशन पे या हमारे किसी अच्छे दोस्त के यहाँ पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।